हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल चैन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्नैक वीडियो ऐप के लिए इस तरीके से फोटो पर शायरी लिखकर एटीट्यूड स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस तरीके की एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली, जिसका नाम है कैनमास्टर। तो फ्रेंड, आपको कैनमास्टर ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन करना है। ओपन करते ही फ्रेंड हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो फ्रेंड, हमें वीडियो को एडिट करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद नारेस 260 को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, हमें मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहां से हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, हमें ब्लैक बैकग्राउंड क्लियर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींच कर थोड़ा सा लंबा कर देना है। फ्रेंड, हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हमें उस वॉलपेपर को या फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर हम वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। अब फ्रेंड, हमें कैची के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको फुल स्क्रीन में कर देना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग गया है। फ्रेंड, हमें वॉलपेपर के लिए क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींच कर ब्लैक बैकग्राउंड के लेयर के बराबर कर देना है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग चुका है। अब फ्रेंड, हम इसमें शायरी लिखेंगे। शायरी लिखने के लिए फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ्रेंड, मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने साड़ी को पेस्ट कर दिया है। अब फ्रेंड, हम इस साड़ी को अच्छी तरीके से लगा देंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी साड़ी की लाइन स्क्रीन पर आ चुकी है। अब फ्रेंड, हम इसको अच्छी तरीके से एडिट कर देंगे। तो फ्रेंड, हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है फॉन्ट वाला, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हम इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हम इसमें कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इसमें वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हमें यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हमें बैकग्राउंड का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से फ्रेंड हम इसमें बैकग्राउंड का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमें यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हमें नीचे एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर लिखा है 53%। इसको हमें फ्रेंड फुल 100% कर देना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी साड़ी की पहली लाइन इस तरीके से एडिट हो चुकी है। हमें साड़ी के लिए पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींच कर वीडियो क्लियर के बराबर कर देना है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी साड़ी की पहली लाइन इस तरीके से एडिट हो चुकी है। अब फ्रेंड, हमें यहाँ से दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड, हमें वीडियो को थोड़ा सा आगे करना है। फ्रेंड, हमें यहाँ से वीडियो को 2 सेकंड आगे कर देंगे। आगे होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हम दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने 2 सेकंड वीडियो को आगे कर दिया है। अब यहाँ से फ्रेंड हमें दूसरी साड़ी की लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड हम दूसरी साड़ी की लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी दूसरी साड़ी की लाइन स्क्रीन पर आ चुकी है। फ्रेंड, हम इसको भी अच्छी तरीके से एडिट कर देंगे। तो फ्रेंड, हमें फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से फ्रेंड हम इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हमें कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे हमें बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से फ्रेंड हम इसमें येलो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हम इसकी लाइन को फुल 100% कर देंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी साड़ी की दूसरी लाइन है जो इस तरीके से एडिट हो चुकी है। फ्रेंड, हमें साड़ी की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींच कर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है।
अब फ्रेंड हम सारी की तीसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए पहले फ्रेंड हमें वीडियो को 4 सेकंड आगे कर देना है। आगे होने के बाद यहाँ से फ्रेंड हम सारी की तीसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद टेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम सारी की तीसरी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी सारी की तीसरी लाइन स्क्रीन पर आ चुकी है। फ्रेंड हम इसको भी अच्छी तरीके से एडिट कर देंगे। तो फ्रेंड हमें फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से फ्रेंड हम इसमें फॉन्टों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्रेंड हम इसमें ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड हम इसमें बैकग्राउंड में वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद इसकी लाइन को पूरा 100% कर देंगे। फ्रेंड हमें सारी की तीसरी लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींच कर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी सारी है जो इस तरीके से एडिट हो चुकी है। अब फ्रेंड हम इसमें फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के लिए फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ओवरले पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम इस वाले फिल्टर को लगा देंगे। फ्रेंड अगर आपको भी इस तरीके के फिल्टर डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर। गेट मोर पर क्लिक करके फ्रेंड आप इस तरीके के बहुत सारे फिल्टर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद फ्रेंड हम इस फिल्टर को फुल स्क्रीन में लगा देंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा फिल्टर फुल स्क्रीन में लग गया है। अब फ्रेंड हम फिल्टर की लेयर को खींच कर वीडियो की लेयर के बराबर कर देंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा पहला फिल्टर है जो स्क्रीन पर लग चुका है। फ्रेंड हम इसमें एक और फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के लिए फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ओवरले पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम इसमें एक और ये वाला फिल्टर लगा देंगे। फ्रेंड हम इस फिल्टर को भी फुल स्क्रीन में लगा देंगे। फ्रेंड हमें इस फिल्टर की लेयर को खींच कर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अभी इस तरीके से एडिट हो चुकी है। अब फ्रेंड हम वीडियो को चला कर देखेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अच्छे तरीके से एडिट हो चुकी है। अब फ्रेंड हम इसमें साउंड लगाएंगे। साउंड लगाने के लिए फ्रेंड हमें एक ऑप्शन मिल रहा है राइट साइड में ऑडियो का, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड जितने भी हमारे मोबाइल में सॉन्ग होंगे हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप फ्रेंड किसी भी सॉन्ग को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड हम इस वाले सॉन्ग को लगा देंगे। सॉन्ग को लगाने के लिए फ्रेंड आपको सॉन्ग पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड आपको पीछे में एक ऑप्शन मिलेगा प्लस वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड हमारे सॉन्ग वीडियो में लग जाएगा। तो फ्रेंड हम सॉन्ग की एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर देंगे। कट करने के लिए फ्रेंड हमें सॉन्ग की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रिम स्पीड, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ट्रिम टू राइट टू प्लेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड हमारा एक्स्ट्रा साउंड पीछे से कट हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अच्छे तरीके से एडिट हो चुकी है। फ्रेंड हम इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड हमें लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर का, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हमें इसकी क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड हम इसको फुल एचडी में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड हमें नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड हमारी ये वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से स्नैक वीडियो ऐप के लिए फोटो पर सारी लिखकर एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।